हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज छोटे से ही टॉपिक के बारे में छोटी सी वीडियो ही बनाता हूँ यार, क्योंकि टॉपिक भी ऐसा नहीं है अभी फिलहाल। बाकी बाद वाले टॉपिक जरूर अब मेरे बड़े बड़े आएंगे। तो फिलहाल अब मैं ना आज इसका एसी का रिव्यू देने लगा था। बिकॉज़ क्या है, क्योंकि एक भाई का आया था मेरे को कमेंट भी कि मेरा तो बहुत अच्छा वर्क करता है, थोड़ी देर में पूरी कूलिंग हो जाती है। तो उस बारे में अब मैंने भी सोचा फिर कि क्योंकि अब पैसे लगे हैं जब, तो भाई फिर कम से कम बात कर ही लेते हैं उस बारे में कि पैसा लगाना ठीक है कि नहीं है। तो अगर जे अब मेरे हिसाब से आप देखें, इसमें लगा कंपनी का ही है, ठीक है, पर क्या है इस मॉडल में, मतलब जो प्रॉपर मेरे को ये कलर पसंद था, अब वाइट और सिल्वर बहुत कॉमन कलर है, आप सबको पता ही होएगा। जो भी बंदा लेता है कोई भी गाड़ी, या तो वाइट में ही ले लेता है या फिर कोई और नॉर्मल। तो इसमें ये कलर नया आया था, मतलब मारुति में वैसे तो उस टाइम ये गाड़ी बंद होने वाली थी 2000, मतलब 12-13 में ये गाड़ी, वैसे तो 12 में बंद हो गई थी, पर 13 में भी कईयों ने ली है, ली मतलब जैसे 12 में ली थी, तो जैसे आप मान लीजिए नवंबर दिसंबर में ली हो, तो टेम्परेरी नंबर पे चला के अगले साल वो रजिस्टर करवा दी, तो उस पे 13 का वो आ गया रजिस्ट्रेशन। पर 13 में ये कलर अवेलेबल नहीं था, वाइट और सिल्वर ही आपको दिखेगी अगर जो होगी भी। तो मेनली मैंने ये ली कलर के लिए ही थी, क्योंकि मेरे को ये कलर पसंद था, तो एसी तो मैं लगवा सकता था, तो एसी मैंने लगवा लिया। तो देख सकते हैं इसमें ये रहा एसी का, बाकी आगे भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको इसका। इसमें ताम झाम तो सारा वही है लगा हुआ, है ये तो जो कुछ भी है ना इसमें, तो है तो कंपनी ही का ही फिटेड। अब आप ये देख सकते हैं, ये है इसका जो आपका कूलिंग का आपका ये सिलेंडर जैसा होता है, ठीक है जी, और रेडिएटर, बल्कि इसके पीछे ना मेरे को अपने हॉर्न निकालने पड़े थे। ये हल्की सी जाली दिख रही है आपको, ये यहाँ इसका वो लगा हुआ है जो आप कंडेंसर वगैरह बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये जितनी भी एक एक पाइप तक भी है ना, है तो ठंडी है, देख लीजिए फ्यूज, ये सारा अब आप देख सकते हैं, ये सारा जो भी है जेन्युइन है इसमें। तो यहीं से ही पता लग जाता है कि भैया ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है सारा। तो बाकी अगर जो मैं तो वैसे ना भाई, पटक के नहीं बंद करना चाहिए बोनेट को, बिकॉज जैसे आप जोर से ऊपर से छोड़ देते हैं, स्लोली स्लोली ना उसकी अलाइनमेंट खराब होती रहेगी। तो इसलिए मैं तो भाई प्यार से, क्योंकि कई बार मेरे सामने भी वो जब मैं जाता हूँ सर्विस वगैरह, जोर से पटक के बंद कर देते हैं तो बुरा लगता है। तो बाकी अब एक बार, वैसे अब आपको मैं बता तो नहीं सकूंगा क्योंकि आप फील तो नहीं कर सकेंगे, पर मैं एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करते हैं इसको। गाड़ी, हाँ गर्म है गाड़ी भी, क्योंकि देखिए पहले ना इसके लिए गर्म होनी चाहिए, ठंडी गाड़ी नहीं करेगी। तो इसको हम कर देते ऑन, ठीक है। अब आपको वैसे आ रही होगी फैन की आवाज, अभी खाली फैन है
क्योंकि अब ठंडे में थी ना, तो देखिए अभी ही ठंडी हवा आ रही है। वैसे जो इसका एसी देता है ना, उससे ज़्यादा ठंडी हवा अभी आ रही है। और अब हम करते हैं इसको ऑन। ये ऑन हो गया, देख सकते हैं आप, लाइट जल गई। और एक आप इसमें आवाज़ सुन सकते हैं, जो गैस की होती है ना, वो आवाज़ आती है। एक तो ये आती है, वैसे हर गाड़ी में आती है, पर इतनी नहीं आती। और ऊपर से अगर जी अब मैं देखूँ, एक तो वैसे ना इसका मीटर भी आता है वैसे चेक करने का। उस टाइम जब ये लगाया था तब तो इन्होंने मेरे को चेक करवाया था, पर फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा मुझे कि यार देख इतनी ही होती है कूलिंग। तो अब जो फिलहाल इसमें है कूलिंग, तो मेरे को नहीं लगता यार ये इफेक्टिव है। अब क्या है ये कूलिंग, मेरे को तो नहीं लग रहा इसमें कि कुछ बात बन रही है, क्योंकि जो कूलिंग आनी चाहिए, मतलब आप वहाँ पर रख लीजिए, मीन्स 35 डिग्री है, 40 डिग्री पे तो मेरे को नहीं लगता ये किसी काम का है। पर मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर अभी जा रहा है 31, 32 मैक्स, तो जैसे अभी मैंने चला दिया ना ये, तो इसका कोई फर्क नहीं है। और ऊपर से आपको तो शीशे भी बंद करने पड़ते हैं इसके लिए, तो इफेक्टिव उतनी इफेक्टिव नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, मतलब ऐसा रख लीजिए कि 90% पैसा वेस्ट है और 10% पैसा वसूल, या मतलब यूटिलाइज कर लिया आपने। अब देखो अब इतनी देर इसको हुई भी है ये, चलो, और बल्कि देख लो छाँव है, देख सकते हैं आप। ये धूप भी अब इस टाइम 5 बज चुके हैं, शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये इस टाइम ऐसी धूप है, ठीक है, डिम डिम जैसी। तो इसी में ही अब मेरे को, नहीं तो अगर जब मैं अपनी दूसरी गाड़ी में चलाऊं, चलो मानता हूं उसका इंजन भी बड़ा है, तो पर इंजन के साथ साथ अगर जो यही एसी में उसमें लगा दूं तो ये ऐसा ही वर्क करेगा ना, तो उसमें फर्क होएगा। बाकी मारुति की गाड़ियों में भी देखा है मैंने, जैसे आपकी एल्टो है, ये है, तो पर जो इसमें से ये कि आवाज आती है ना गैस की बार बार चुस चुस करके, ये भी बड़ी इरिटेटिंग सी है, जैसे वो कट ऑफ लगता है ना आपके जब गाड़ी दबती है। ये देखिए कट लगा इसमें, अब देखिए कर्ज आ रही हुई है। पर ये है, ये नॉर्मली एयर की तरह है, जो भी ठंड में गाड़ी खड़ी थी ना मेरी वैसी थी, तो वैसी ही है ये, इसमें ज्यादा नहीं कुछ फर्क आया हुआ। ये देखिए कट लग गया इसमें, नहीं तो कट के बाद तो एकदम ठंडी हवा आती है। बाकी अगर जी आप, तो इसमें आपके इंजन पे भी अब जोर पड़ता है, ठीक है, इंजन पे भी जोर पड़ रहा है आपके, तो वो भी गलत है फिर, इंजन पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। एक तो पहले ही छोटा इंजन है, ठीक है, फिर आपके इंजन पे जोर पड़ रहा है, तो इससे आपकी हेड गैस किट वगैरह है उसका जाने का नुकसान रहता है, क्योंकि उस पे बिचारी पे पड़ रहा है लोड। तो मेरी माने तो तभी फायदा है अगर जो आपको यूजफुल लगे, मेरे लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए निकलवा ही दूंगा मैं इसको, या फिर लगा है तो अब यूज नहीं करूंगा, मतलब नहीं है। फिर इससे अच्छा मैंने ब्लोअर निकलवा दिया, ब्लोअर ठीक है, ब्लोअर भी इसमें वैसा नहीं है, वो एक ही बात आ जाती है वैसे इसमें, इन मारुतियों में, खासकर ये जो मॉडल है मारुति का जो पुराना था, जो तो अब के हैं उनका तो मैंने देखा, उनका तो इफेक्टिव है एसी भी ब्लोअर भी, इनमें है दिक्कत। तो फिर
ऐसी चीज पे लोड डाल के मेरे को नहीं लगता कोई फायदा है। मेरे को फिर ये लगता है कि अगर जो आप फिर इतने इंजन पे लोड डाल देते हैं तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा। अब आपकी हेड गैस किट वगैरह चले जाएगी, फिर आप खुलाएंगे, फिर वो प्रॉपर डले ना डले या जो भी है, तो फिर मुझे वर्थ नहीं लगा ये। और ये करीब करीब मुझे पड़ा था 20-22 हज़ार के करीब, तो वर्थ नहीं है ये, कुछ मजा नहीं आया। बाकी ये है कि हाँ, एक बार मैं इसको चेक जरूर करवाऊंगा दोबारा से कि कहीं कोई अबार अगर जे तो लीकेज होती तो पता लग जाता लीकेज का, कि क्योंकि फिर क्या होता है ना, कुछ खराब हो, अगर मान लीजिए आपका ये खराब है, क्या बोलते हैं इसको, रेडिएटर में लगता है आपके, जो ऑन ऑफ कट इसको करता है बार बार, यार नाम भूल गया मैं, कंडेंसर, याद आ गया, कंडेंसर, कंडेंसर खराब होगा ना तो ये कट नहीं होएगा, जो आपके जब ये गाड़ी को खींचता है ऑन ऑफ होता है वो, तो वो नहीं करेगा वो कंडेंसर का, आपको वहां से पता लग जाएगा कि आपका खराब है कि नहीं। बाकी कई बार अगर जो इतनी सी भी लीकेज हो इसमें तो भी आपकी कूलिंग पे इफेक्ट पड़ता है, तो आपका वो कूलिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गैस कहीं से लीक होती रहेगी तो वो नॉर्मली हवा आएगी, जैसे कि मेरे इसमें भी हो रहा है, पर होना नहीं चाहिए था। पर फिर भी अब मैं एक बार कहीं, क्योंकि यहाँ कंपनी में नहीं है इसका एसी का, ये कहीं बाहर ही करवाना पड़ेगा मेरे को, जो ये इसका या चेक का होता है, यहाँ पर है नहीं कंपनी में हो, नहीं तो फिर तो मैं कब का करवा के इसको प्रॉपर, क्योंकि अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ मैं ये, कि हाँ भाई ऐसा ना हो कि मैं गलत रिव्यू दे दूँ, क्योंकि मैं अभी के हिसाब से रिव्यू दे रहा हूँ इसका, तो लगा तो इसमें सब कुछ नया है, चाहे वो पाइपें हैं, कंडेंसर है, रेडिएटर है। तो बाकी जो मैंने आपको रिव्यू, एक बार मैं चेक जरूर करवाऊंगा, मतलब अपनी तसल्ली के लिए लगा ये चेक होके ही है बिल्कुल एक एक, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूं ना, अगर जे दिल में डाउट रह जाए ना यार, तो फिर वो ही बात रात दिन सोते जागते मेरे माइंड में घूमती रहती है, तो जब तक मैं उसको करवाऊं ना तब तक मैं मानता नहीं हूं। लगा ये सब कुछ, बाकी मैं देखूंगा अगर जे मेरे को कोई और मारुति ये वाला मॉडल मिलता है और एसी वाला मिलता है, उसमें जरूर एक बार चेक करूंगा। बाकी एक बार इसको चेक जरूर मैं करवाऊंगा कि कहीं है तो नहीं, पर लीकेज तभी होती है आपके कि पाइप या आपकी गाड़ी कहीं बजी हो, एक्सीडेंट होता है तब वो होता है, या फिर पाइप ही कोई खराब लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर अपनी तसल्ली के लिए कई बार यह होता है कि हवा गैस जो इसमें एसी में भरते हैं वो अगर जो डुप्लीकेट या ऐसी भर देना सस्ती, उसका फर्क पड़ता है, तो वो मैं अपने दिल से एक बार जरूर इसको करवाऊंगा और फिर आपको एक छोटी सी 2-4 मिनट की वीडियो बना के डाल दूंगा। और बाकी फिर अभी के लिए तो मेरा रिव्यू खत्म हो चुका है, अब और क्या आपको पकाऊं इसका बता बता के, बाकी अब फिर आपको कल मिलूंगा एक नई वीडियो में, फिर तब तक के लिए अलविदा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो ठीक है भाई दोस्तों, बाय बाय।